फ्रेंड्स, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनको सिर्फ मंजिल दिखाई देती है। अगर बीच में आने वाले हर्डल्स ही देखते रहोगे तो कभी भी आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन अगर उस हर्डल्स का सामना करता सीख गए तो मंजिल तक पहुंचने में आपको मैं भी रोक नहीं पाऊंगा या और कोई भी आपको रोक नहीं पाएगी। यस, माइसेल्फ प्रियेश पटेल, यू आर एट द राइट प्लेस ऑन यूट्यूब, प्रियस्य विद्यापीठ। फ्रेंड्स, आज हम देखने जाने वाले हैं आपकी ब्रांच का एक टॉपिक। लेकिन उससे पहले, आपने अगर इस टॉपिक के प्रीवियस चैप्टर, जो बेसिक स्टेटिस्टिक चैप्टर का एक टॉपिक मैंने उठाया है, जो कंप्यूटर आईटी इलेक्ट्रिकल इसी ब्रांच में कॉमन है, तो अगर आपने आगे वाले टॉपिक नहीं किए हैं जो चैप्टर्स में आते हैं, तो इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर आप हमारे कोर्स के सब्सक्राइबर हैं, जो आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ चुके हैं, कोर्स के लिए जुड़ना है तो क्या करना है उसकी बात मैं लास्ट में करने वाला हूँ, जुड़ चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अगर नहीं जुड़े उसका मतलब आप कॉलेज में बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तो भी आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। लेकिन लेक्चर को शुरू करने से पहले, अगर चैनल के ऊपर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और अभी भी आपने मुझे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे फॉलो न किया हो तो प्रियेश विद्यापीठ नाम से सेम मेरा अकाउंट वहां पे भी अवेलेबल है, आप वहां पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। दोस्तों, मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मतलब के डिस्पर्सन के बारे में हमें आज बात करना है, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन। उसमें मेन टॉपिक है मीन, वेरियंस, मीडियन भी आता है। ये सारे टर्म्स आप 8, 9, 10 में कहीं ना कहीं सीख के आए हो। मुझे पता है कि फर्स्ट और सेकंड सेम में, सेकंड सेम तो मेरिट बेस में निकल गया है। डिप्लोमा से डिग्री में आए हो तो मैथ्स का तो ऑलवेज डर था, मैथ्स 2 कैसे पास किया था आप सबको पता है। लेकिन मैं ट्राई करूंगा आपको इसको बहुत इजी वे में समझाने का। द प्रोबेबिलिटी, मैंने प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन उठाया हुआ है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रेंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स इज गिवन बिलो, ये आपका टेबल है, फाइंड द मीन ऑफ एक्स, ई ऑफ एक्स मतलब मीन ऑफ एक्स, वेरियंस ऑफ एक्स, ई ऑफ 2x-3 एंड वेरियंस ऑफ 2x-3। देखो दोस्तों, इसके फॉर्मूला आपको लर्न करने हैं, फॉर्मूला बोर्ड के ऊपर मैंने अच्छे से लिखे हुए हैं। ई ऑफ एक्स, पहला जो हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों, वो हमारा टारगेट है ई ऑफ एक्स, और उसका फॉर्मूला है सिग्मा एक्स बी एक्स, सिग्मा मतलब सबका एडिशन। देखो दोस्तों, सिग्मा मतलब एडिशन करना है, एक्स का मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी के साथ करना है और उसका एडिशन। तो देखो सिंपल है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और उसका क्या करना है, बाय लोग एडिशन, फिर माइनस वन का 0.1 के साथ उसका करना है एडिशन, देन 0 का 0.3 के साथ उसका भी एडिशन, देन 1 का 0.3 के साथ उसका भी एडिशन, देन 2 का 0.1 के साथ। इसको हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के यूज से। मैं लाया हूँ कैलकुलेटर मेरा, जब मैं जे बी से साथ देता है मेरा, मैं ब्रैकेट से डायरेक्ट करूँगा सारी चीज़, -2। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना नहीं सीखे हो तो प्लीज़ सीख लेना, वरना पेपर में बहुत टाइम आपका वेस्ट होने वाला है। क्या बोला दोस्तों, पेपर में आपका बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है। प्लस 2 × 0.1 तो आंसर आपका कुछ आता है 0, आंसर आपका आता है 0, क्लियर है? ओके, अभी हम फाइंड करेंगे वेरियंस। वेरियंस का इक्वेशन दोस्तों मैंने नीचे लिखा हुआ है, सिग्मा एक्स स्क्वायर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस मीन जो हमारा आया है उसका स्क्वायर। चलिए, एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन और उसका एडिशन, वो सारी चीजें तो यहां पे कॉमन ही है, मतलब -2 का स्क्वायर इनटू 0.2, बीच में प्लस ही आएगा, फिर -1 का स्क्वायर, फिर बीच में प्लस ही आएगा, फिर 0 का स्क्वायर प्लस ही आएगा, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, देन माइनस जो आंसर आया उसका। अभी आप बोलते सर ये जो आंसर आया उसका स्क्वायर करके पी ऑफ एक्स हरेक के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो नहीं चलता भाई, ऐसे नहीं चलता, अलग अलग स्क्वायर आपको करना ही पड़ता है। चलिए अलग अलग स्क्वायर करते हैं, -2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, 4 माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, इतना तो बेसिक आपको पता होना जरूरी है भाई, इतना तो कोई नहीं सिखाएगा। -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है, 0 का स्क्वायर तो 0, तो ये तो कैंसिल, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होगा, क्लियर है, और इनटू 0.1,
ये कुछ आंसर आता है आपका 1.6, ये आंसर आपका है 1.6, तो 1.6 माइनस 0 का, तो ये हम पर आंसर कितना आ गया 1.6। क्लियर है दोस्तों यहां तक? ओके, अभी बात आती है तीसरा। तीसरा क्या बोला है? e ऑफ 2x माइनस 3। इसका एक इक्वेशन मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है, ई ए एक्स प्लस और माइनस बी। अगर ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, बीच में प्लस और माइनस हो उससे मतलब नहीं है। अगर प्लस हो तो पिछू इक्वेशन में प्लस रखने का, माइनस है तो माइनस रखने का। क्लियर? तो हम इक्वेशन कैसे अप्लाई करेंगे? देखो, ये हमारी ए की वैल्यू है और ये हमारी बी की वैल्यू है और ये हमारी साइन है। देन तो ए आगे ऐसे ही आएगा 2। ई ऑफ एक्स कितना है? ये रहा 0। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो यहाँ पे हमारा माइनस है। तो अगर हमारा माइनस है यहाँ पे तो हमें कहाँ डरना है? 2 × 0। नहीं समझ में आया? वेट, ई ए एक्स प्लस और माइनस बी, तो ए मतलब 2, बी मतलब 3। ए की वैल्यू मैंने रख दी 2, ई ऑफ एक्स मैंने ढूंढ लिया था यहाँ पे कहीं पे मीन 0, और बी मेरा कितना है? बी मेरा है 3, लेकिन साइन आगे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो मेरी साइन माइनस है तो मैंने यहाँ पे माइनस रखा, तो आंसर 0 − 3, मतलब कितना आएगा? −3। अभी नंबर 4, 4 नंबर पे क्या बोला है दोस्तों? वेरियंस ऑफ 2x − 3। अभी वेरियंस ऑफ 2x − 3 बहुत बड़ा इक्वेशन है, कहाँ है? इतना छोटा तो है, क्यों डराते हो? ए स्क्वायर, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारी साइन है, लेकिन यहाँ पे साइन की कोई मैटर नहीं है क्योंकि यहाँ पे कहीं पे प्लस माइनस है नहीं। तो ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। वेरियंस ऑफ एक्स, वेरियंस ऑफ एक्स कितना आया था? 1.6, है ना? ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, वेरियंस ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी आ चुकी है, तो 4 × 1.6। तो दोस्तों 4 × 1.6, वैसे तो 16 × 4 करोगे तो 64 आएगा, 6.4 ही आएगा। डायरेक्ट करना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप दोस्तों कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो। ओके, सो दोस्तों ई ऑफ एक्स, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन एडिशन सबका, इसका स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन वेरियंस में, और पिछू मीन का स्क्वायर माइनस करना है, ये दोनों में ये हमारे फॉर्मूला थे। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सम आते हैं, कहीं पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पूछते हैं, कहीं पे ये थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, कहीं पे फंक्शन में चेंज होता है, बहुत सारे चेंज, कहीं पे आपको इंटीग्रेशन करना होता है। तो दोस्तों ये वास्ट चैप्टर है, बहुत सारी मेथड में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चेंज, छोटे मोटे चेंज जीटीयू कर देती है, सो आंसर में बहुत सारा चेंज हो जाता है। अभी आपके काम की बात आ रही है दोस्तों, लेक्चर को छोड़ के मत जाना अगर काम की बात समझनी है। हमारा जो मैथ्स का कोर्स है उसमें हमने पूरे चैप्टर वाइज, जीटीयू में चैप्टर है ऐसे ही, टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किए, मतलब एक टॉपिक को एक लेक्चर में कंप्लीट किया है। मतलब एक लेक्चर कभी 20 मिनट का होता है, कभी 25 का होता है, कभी 5 मिनट का भी होता है, कभी 10-12, वो जो टॉपिक की जितनी लेंथ हो वैसे हमने चैप्टर के रिकॉर्ड किए हैं वीडियो लेक्चर्स। उसमें साथ में हम आपको नोट्स देते हैं, साथ में टेस्ट पेपर भी आपको देते हैं, और 1-to-1 असिस्टेंट भी हम देते हैं। मैं खुद से स्टूडेंट के कॉन्टेक्ट में रहता हूँ, उनकी डिफिकल्टी सॉल्व करता हूँ, उनके टेस्ट पेपर चेक करता हूँ। और ये सारा कोर्स अभी देव दिवाली तक, हमारी कोर्स फी 1799 है, उसमें भी 10% ऑफ चल रहा है, मतलब 179 − 1799। अभी आपको मैं इसका सिंपल एक कैलकुलेशन समझाता हूँ, क्यों ये कोर्स बाय करना वर्थ है। आप अगर इस सब्जेक्ट की बुक मार्केट में से लाओगे तो भी 350 से 500 रुपीज़ के बीच में आपको बुक पड़ेगी, अच्छे पब्लिकेशन की लाओगे तो अलतू फालतू तो 200-250 में भी मिल जाएगी, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जेरोक्स कराओ, वो आपकी मर्जी है, जिसमें अच्छे से सम दिए हो, होमवर्क के सम प्रॉपर दिए हो, तो मान के चलो इसको मैं मान के चलो 1600 और इसमें मैं मान के चलो 400, ये आपको बुक यहाँ से हम मटेरियल देते हैं, आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, तो 1200 रुपये में आपको कोर्स पड़ता है, बुक के पैसे माइनस कर दिए, हम मटेरियल यहाँ से प्रोवाइड करते हैं जितना आपको ज़रूरी है उतना। हर एक ब्रांच में 5 से 6 चैप्टर है, कभी कभी किसमें 7 है, तो मैं मिनिमम 6 मान के चलूँ तो 6 × 200 तो 1200 है, मतलब एक चैप्टर का कितना रुपीस हुआ? 200 रुपीस। देखो अगर आप गांधीनगर आके हमारे साथ पढ़ते तो उसकी फीस होती 5500 रुपीस मेरे पास पढ़ने की, क्योंकि मैं प्रीवियस 10 ईयर्स से गांधीनगर में मैथ्स पढ़ाता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे यहाँ से मुझे पास आउट हुए हैं। अगर आप गांधीनगर में किसी से भी पूछोगे या फिर मेरी इंस्टाग्राम में चेक करोगे स्टूडेंट्स के रिव्यूज, यूट्यूब में देखोगे, तो आपको हर एक जगह से मिल जाएगा। ये हमने इसीलिए रखा है क्योंकि कोरोना की वजह से सबकी फाइनेंशियल कंडीशन पे इफेक्ट हुई है, हमारी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन भी कहीं ना कहीं, सर जितने मेरे कॉन्टैक्ट में सब में हुई है, हर एक सेक्टर में प्रॉब्लम हुआ है।
तो जितने जितने प्रॉब्लम हुआ है तो हमने भी सोचा कि स्टूडेंट्स को कुछ हेल्प हो सके। ऑनलाइन लेक्चर में कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन हमारा कोर्स ऑनलाइन है, लेकिन ऐसे मस्त फॉर्म में समझाया है, इतने मस्त हम स्टूडेंट की डिफिकल्टी सॉल्व आउट करते हैं, स्टूडेंट के कॉन्टेक्ट में रहते हैं, टेस्ट देते हैं। आपको पता है कि कॉलेज में इतनी सारी फीस भरने के बाद भी आपको आपके क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल रहे हैं, अभी भी सब्जेक्ट की तो छोड़ो, एग्जाम फॉर्म फिलअप के वो सारे भी आंसर नहीं मिल रहे, तो वहाँ तो हम आपको कोर्स में हेल्प कर रहे हैं और बहुत नॉमिनल फीस में। इसमें एक और ऑफर है, अगर आप दो स्टूडेंट्स के ग्रुप में ज्वाइन करते हो कोर्स तो 2500 रुपीज़ ही हमने रखे हैं, मतलब एक स्टूडेंट का 1250 ही हुआ, तो आप मान लो एक चैप्टर आपको कितने में पड़ेगा। तो दोस्तों ये सारी ऑफर हम आपके लिए ही कर रहे हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए ही कर रहे हैं, और ये थोड़े टाइम के लिए ऑफर रखी, जब हमारा टारगेट खत्म हो जाएगा उसके बाद इसकी प्राइस हाइक ही हो जाएगी, फिर हम प्राइस कम नहीं करने वाले। तो अगर आपको हमारे डेमो लेक्चर्स और देखने हो, कोर्स ज्वाइन करना हो, कुछ भी क्वेरी हो कोर्स के रिलेटेड, तो आप बिंदास हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर कॉल कर सकते हैं, मेरा खुद का नंबर है, इस नंबर पे फोन करके आप ऐसा पूछोगे कि सर फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है, पैसे सबमिट नहीं हो रहे, तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, मैं क्लियरली बोल रहा हूं। इस पे बात होगी जस्ट कोर्स के रिलेटेड ही, ओनली एंड ओनली, दूसरी कोई भी बात हुई तो मैं आपका नंबर ब्लॉक में डाल दूंगा, क्लियर है दोस्तों। बाकी कोई भी काम है तो उसके लिए मैंने बोला है कि इंस्टाग्राम पे डीएम करो, इंस्टाग्राम का आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्रिय सर विद्यापीठ, इस पे मुझे डीएम करना, बाकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ पे डीएम करना। बाकी कुछ कोर्स के रिलेटेड काम है, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन है, अगर आप कोर्स पैसे देके बाय कर रहे हो तो आपके माइंड में जितने क्वेश्चन है पूछना जरूरी है, तो आप मुझे पूछ सकते हो, हमारे साथ जुड़ोगे। अगर इन प्रीवियस जीटीयू थ्योरी की जगह पे एमसीक्यू की एग्जाम भी लेना चाहती है तो कोर्स अगर किया होगा तो मैं एमसीक्यू भी वहां पे लाइव कंडक्ट करने वाला हूं, हमारे एप्लीकेशन में लाइव लेक्चर की भी फैसिलिटी है, तो लाइव लेक्चर भी मैं एमसीक्यू के रिलेटेड कंडक्ट करने वाला हूं, लेकिन मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा जब तक आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए। आप मंजिल की ओर फोकस करो, मैं हर बार मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि रास्ते बदलो मंजिल है नहीं, तो आपकी मंजिल जो है वही मेरी मंजिल है कि आपके मैथ्स में अच्छे नंबर आने चाहिए और उसमें आपकी केटी नहीं रहनी चाहिए। तो अगर मेरी भी मंजिल सेम है तो हम साथ में मिलके उस मंजिल तक पहुँचेंगे, रास्ते बदलेंगे लेकिन हमारी मंजिल नहीं बदलेगी और एक ना एक दिन मंजिल तक पहुँचेंगे। आज अगर पसीना बहाने की ताकत है तो कल जाके लाइफ में ऑलवेज आप सक्सेसफुल होगे, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोकने वाला है फ्रेंड्स। तो दोस्तों सीखते रहिए, कुछ भी डिफिकल्टी है तो पूछते रहिए, हम आपके साथ है, वीडियो को हर एक जगह पर शेयर करिए, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो नहीं किया तो हर एक जगह पे सेम नाम से प्रिय सर विद्यापीठ से ही मेरा अकाउंट है, हर एक जगह पे मुझे जुड़िए, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जीटीयू की भी मिलती रहेगी, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों। पढ़ाई करते रहे, लास्ट में मैं हर एक बार बोलता हूँ, पढ़ाई करते रहे, हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।